यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र भले ही दूसरे दिन खत्म हो गया, लेकिन दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सपा नेताओं में जमकर तू-तू-मैं-मैं हो गई और सदन का माहौल गर्मा गया। सदन में राजभर सरकार पर अपने सवाल दाग रहे थे, उसी दौरान सपा नेताओं ने राजभर पर तंज कसा, जिस पर राजभर ने अपने चिर परिचित अंदाज में करारा पलटवार कर दिया। अब तोरे पार्टी ज्वाइन कर लेगा? अरे हमारी अपनी पार्टी है महाराज, अपनी पार्टी के दम पर बोलते हैं। राजभर यही नहीं रुके, सपा के विधायकों पर लगातार हमले करते रहे। जन किमतिया देखा था कि ओम प्रकाश राजभर को मन बड़ी भूमिका है। राजभर की इतना बोलते ही सदन में ठहाके लगने लगे। सपा विधायकों ने राजभर के इस बयान पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। सपा और राजभर की इस नोकझोंक को सदन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने रोक दिया। समाजवादी पार्टी ने राजभर के बयान का कड़ा विरोध किया है। समाजवादी पार्टी ने 2017 से 2022 में इजाफा किया है, 125 सीटें आई है, और समाजवादी विचारधारा से आए, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के व्यक्तित्व से, उनके नेतृत्व से, कुशल नेतृत्व से। भाजपा ने भी ओपी राजभर के हमले पर चुटकी ली है। उसी ओर जा रहे हैं, तलाक की ओर ही अग्रसर हैं, तलाक की स्थितियाँ हैं, और मैं समझता हूँ जहाँ वैचारिक समानता नहीं हुआ करती लोकतंत्र में, वहाँ ये रिश्ते लंबे नहीं चल सकते। ओपी राजभर और सपा 6 दिसंबर यानी कि आज संविधान निर्माता और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर देश के तमाम नेताओं सहित यूपी के मुख्यमंत्री ने बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। वे स्वतंत्र भारत के न्याय मंत्री बने, विधि और न्याय मंत्री के रूप में उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी। सीएम के साथ सूबे के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मायावती ने 3 ट्वीट किए और बाबा साहब को नमन किया। देश को पूर्ण जनहितैषी, कल्याणकारी व समता मूलक संविधान देकर धन्य करने वाले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके परिनिर्वाण दिवस पर शत शत नमन। उन्होंने हर मामले में बेहतरीन संविधान देकर भारत का नाम देश दुनिया में जो रोशन किया है वह अनमोल, देश उनका सदा आभारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासा। दिल्ली और गाजियाबाद के बाद अब हरिद्वार में भी पिटबुल डॉग ने एक मासूम को अपना निशाना बना लिया। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में एक बच्चे पर पिटबुल कुत्ते द्वारा हमला किया गया, जिसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। दो बच्चे घर के बाहर खेल रहे हैं, जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं एक पिटबुल अचानक घर के अंदर घुसता है और बच्चे को काट लेता है। पिटबुल के हमले की तस्वीरें भले ही सीसीटीवी कैमरे में कैद ना हो, लेकिन जिस बच्चे पर हमला हुआ है उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। पालतू पिटबुल का हमला इतना खतरनाक था कि इसी वजह से बच्चा अभी तक खौफ में है। जैसे ही बच्चे के सामने उस खौफनाक मंजर की बात की जाती है बच्चा कांपने लगता है। कुत्ते के काटने से बच्चे के शरीर पर गहरे घाव बन गए हैं। मामले में बच्चे के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बच्चे के पिता द्वारा जो है थाना कनखल पे एक तहरीर दी गई है और उस तहरीर के आधार पर थाना कनखल पे शिवम के खिलाफ जो है धारा 289 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। साथ ही पुलिस ने कुत्ते पालने वाले को हिदायत भी दी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।